सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर का वन पैरामीटर देखेंगे हम, जो है डिफरेंस इनपुट वोल्टेज, आइडियली जीरो। डिफरेंस इनपुट वोल्टेज मतलब जो दो इनपुट टर्मिनल से ऑप एम्प के पॉजिटिव और निगेटिव, इन्वर्टिंग टर्मिनल और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, उसके जो बिटवीन जो डिफरेंस है वो आइडियली जीरो वैल्यू रहती है उसकी, ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर में इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज है उसकी वैल्यू है वी आई डी इज इक्वल टू वी ओ अपॉन ए। वी ओ जो है आउटपुट वोल्टेज है और ए जो है वो गेन है। अगर ए बहुत लार्ज हुआ, ए अगर बहुत लार्ज हुआ तो इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज की वैल्यू हो जाएगी जीरो वोल्ट, मतलब डिफरेंस इनपुट वोल्टेज इज आइडियली जीरो इफ द ए इज वेरी वेरी लार्ज। इसलिए अगर हमारे पास यहाँ पे वी वन इज इक्वल टू इनपुट वोल्टेज है, वी वन इज इक्वल टू वी इन है और वी टू इज इक्वल टू वी एफ है, वी एफ मतलब द फॉरवर्ड फीडबैक वोल्टेज, इस फीडबैक वोल्टेज की वैल्यू है आर वन इंटू वी ओ आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय आर वन प्लस आर एफ। अगर यहाँ पे वोल्टेज एट द नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल, यहाँ पे वी वन के पास जो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल के पास जो वोल्टेज है इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दैट ऑफ द इन्वर्टिंग इनपुट, वो इन्वर्टिंग इनपुट के अप्रोक्सीमेटली इक्वल रहेगा, इसलिए ए टर्मिनल प्रोवाइड करेगा ए इज वेरी वेरी लार्ज, ए जो है इसकी वैल्यू लार्ज रहेगी, ए इज इक्वल टू द लार्ज वैल्यू रहेगी। तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि वी वन इज इक्वल टू वी टू है, वी वन इज इक्वल टू वी टू है इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज में जब ए की वैल्यू बहुत लार्ज रहेगी, इसलिए वी वन इज इक्वल टू वी टू है और वी वन है हमारे पास वी इन है और V2 की वैल्यू है हमारे पास दिस वन R1 into the आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय R1 प्लस RF। सो इसके ऊपर से हम कैलकुलेट करेंगे VID, VID जो होगा VO डिवाइड बाय A है, इसलिए जो वोल्टेज गेन है विद क्लोज लूप फीडबैक गेन ये जो है हमारे पास यहाँ से मिलेगा AF is equal to VO divided by Vin, VO divided by Vin, जो closed loop voltage इस equation से हम find out करने वाले हैं, वो मिलेगा VO divided by Vin और ये जो हमारे पास already है वो है 1 plus RF by R1, 1 plus RF by R1, therefore the closed loop voltage gain AF is equal to 1 plus RF by R1 if the input differential voltage of the voltage series feedback is ideally zero.